नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार की तरफ से जो तमाम वादे किए गए थे उनमें तेजी देखी गई है, लेकिन अगर विरोधियों की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी पर और साथ ही साथ मोदी सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 100 दिनों के एजेंडे में क्या कुछ किया है। कैसा रहा मोदी सरकार के 100 दिन का कामकाज? सरकार फेल हो गई या हुई पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में सरकार ने क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं जो आगामी दिनों में देश की तकदीर बदल देंगे। इन बड़े फैसलों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, विदेश नीति जैसे बड़े क्षेत्र हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं और जापान के साथ अपने 100 दिन के बीच बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहना रही हैं। अपने जापानी दौरे पर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इंडिया जापान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप के तहत भारत को 3.5 ट्रिलियन येन भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में निवेश करने का बड़ा फैसला पूरा किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जापान इस दौरान भारत निवेश को बढ़ाकर दुगना कर देगा। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन में भी जापान टेक्नोलॉजी के साथ वित्तीय और ऑपरेशनल मदद करेगा। तो इन सभी वादों और समझौतों के लिए पीएम मोदी ने जापानी समकक्ष शिंजो आबे को शुक्रिया कहा है। तो वहीं मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन की संभावनाओं को लेकर स्टडी भी शुरू कर दी गई है। ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बना भारत। 2 साल की माथापच्ची के बाद आखिरकार ब्रिक्स देश एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनाने पर राजी हो गए। बैंक का मकसद होगा अहम योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की कमी को दूर करना। नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा पर गए हैं। 17 साल बाद कोई भारतीय पीएम द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल पहुंचा है। भारत ने पनबिजली योजनाओं के लिए नेपाल सरकार के साथ समझौता किया। सीसेट परीक्षा पर अहम फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया कि अब मेरिट लिस्ट में अंग्रेजी पेपर के नंबरों को नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने 2001 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले छात्रों को एक और मौका दिए जाने की बड़ी बात कही। इस फैसले ने हिंदी भाषा के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बड़ी राहत दी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को मंजूरी देते हुए सरकार ने तय कर दिया कि वो गंभीर अपराधों के मामले में 16 साल के बड़े किशोरों को भी वयस्कों की तरह सजा देगा। ये फैसला लेने की जिम्मेदारी सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर छोड़ दी कि आरोपी पर मुकदमा बालिग के तौर पर चलाए। पीएम बनने के बाद 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। लद्दाख में पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करते हुए मोदी ने पर्यावरण, काश और पर्यटन का नारा दिया। यहीं पर मोदी ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो आतंकवाद के नाम पर छद्म युद्ध में लगा है। जजों की नियुक्ति के लिए राज्यसभा में न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल पास होते ही पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो गया। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता में कमी के आरोपों के चलते कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो रही थी। अब नए सिस्टम के तहत न्यायिक आयोग सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा। सरकार ने तय किया कि नक्सल प्रभावित सभी 10 राज्यों में मोबाइल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए करीब 2000 नए टावर भी लगवाए जाएंगे। प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी बीएसएनएल को सौंप दी गई है, जो पहले ही इन इलाकों में 350 टावर लगा चुकी है। मोदी ने 15 अगस्त को ही देश से ये वायदा किया कि अगले 15 अगस्त तक कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां बच्चों के लिए शौचालय ना हो। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से ये भी कहा कि वो संसद निधि का इस्तेमाल स्कूलों में शौचालय बनवाने के लिए करें, ताकि बच्चे शौचालय ना होने की वजह से पढ़ाई बीच में ना छोड़े। मोदी ने ऐलान किया कि इसी साल 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया जाएगा। मोदी ने देश से ये वादा किया कि 2019 तक देश का हर शहर, हर सड़क, हर गली साफ सुथरी होगी। उन्होंने कहा ये काम सिर्फ सरकार से नहीं हो सकता, इसमें लोगों की मदद की भी जरूरत है।
मनमोहन सरकार ने सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक आधार परियोजना को मोदी सरकार ने 5 जुलाई को जीवन दान दे दिया। इस आशंका को दरकिनार करते हुए कि मोदी सरकार आने के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ आधार के लिए बजट दिया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि ये प्रोजेक्ट उनकी निगरानी में जारी रहेगा। योजना आयोग के दिन खत्म होने का ऐलान करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लोगों से नई संस्था के बारे में सुझाव मांगा। सरकार का कहना था कि 64 साल पुराना योजना आयोग वक्त के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाया, लेकिन एक नई संस्था की जरूरत है। अब ये नई संस्था 21वीं सदी के मुताबिक विकास से जुड़े सुझाव देगी। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो तमाम दावे और तमाम वादे यहां सरकार की तरफ से किए गए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या जो अच्छे दिनों का वादा सरकार की तरफ से किया गया था, नरेंद्र मोदी ने जिस दावे को किया था, क्या उसे पूरा करने में मोदी सरकार अपने 100 दिन के एजेंडे में कामयाब हो पाई है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आलोक शर्मा साहब कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ अनिला सिंह जी भी हमें कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। आलोक जी, अनिला जी हमारे पास अभी अनुपस्थित है, कुछ वक्त उन्हें हम तक पहुंचने में लगेगा, लेकिन शुरुआत आपसे ही इस चर्चा की कर देते हैं। अच्छे दिन आए हैं या नहीं, पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है और आपकी क्या निजी राय? देखिए सुमित जी, किसी भी सरकार का जो आकलन होता है वो आकलन तमाम बिंदुओं पर होता है, तमाम तथ्यों पर होता है। किसी भी सरकार का अगर हम 100 दिन का आकलन कर रहे हैं तो दो तरह से उसका आकलन हो सकता है कि उसकी नीतियां क्या हैं और उसके नतीजे क्या हैं। देखिए नीतियां और नतीजे दोनों का ही निर्धारण इस बात से होता है कि आपने जो वादे किए थे देश की जनता के साथ, क्या उस दिशा में कुछ हो पाया, क्या कोई सच्चे अच्छे परिणाम आ पाए। अगर अच्छे परिणाम आ पाए हैं तो अच्छे दिन आए हैं जी। आप देखिए इन्होंने वादा किया, नारा लगाया कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, तो क्या महंगाई कम कर पाए? इन्होंने कहा महिलाओं पर अब न होगा महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। पिछले एक महीने के अंदर 23 बलात्कार के मामले मात्र दिल्ली के अंदर आए हैं। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, और ये कहने के बाद यूपी में आग लग गई। यूपी में जिस तरह से बयानबाजी हुई, आरएसएस जिस तरह से हिंदू राष्ट्रवाद के ऊपर मुखर हो गई, तो मैं समझता हूं कहीं भी अच्छे दिन दूर दूर तक नहीं आ रहे हैं। इन्होंने नारा दिया मर जवान मर किसान, लेकिन 100 के करीब सीज फायर वायलेशंस पाकिस्तान की सीमा पर हुए, मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया। डिफेंस मिनिस्टर ने कल ही कहा कि यह खेदजनक है। क्या खेदजनक केवल कह देने से देश की जनता के अच्छे दिन आ जाएंगे? चाइना और पाकिस्तान के साथ जो विदेश नीति की दुहाई मोदी जी देते थे उसी तरह से आज भी वही हरकतें हो रही हैं, कोई बदलाव नजर नहीं आया है। मैं कहता हूं अर्थनीति हो, विदेश नीति हो, और चाहे आंतरिक जो समस्याएं हमारी देश की थी, कहीं पर भी ये जो नकारा सरकार है मोदी जी की वो कहीं पर भी हमें सफल होती हुई नहीं नजर आ रही। ठीक है आलोक जी, आपने तमाम मुद्दे उठाए जिसमें आर्थिक भी हैं और साथ ही साथ सामाजिक और विदेश नीति की भी आप बात कर रहे हैं। हम एक एक करके तमाम मुद्दों पर बात कर लेते हैं। शुरुआत अगर मैं विदेश नीति से करूं, जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान का जिस तरीके के साथ एजेंडा रहा है या भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके का कदम उठाया जाना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार का वो रुख नहीं रहा है? बिल्कुल, देखिए इन्होंने जिस तरह के नारे दिए थे और जिस तरह की एक पिक्चर देश के सामने प्रस्तुत की थी, कौन सा ऐसा बदलाव आया था कि सचिव स्तर की आपने वार्ता शुरू कर दी? अभी 3 महीने पहले तक आप चुनाव प्रचार में कहते थे कि हाफिज सईद का और दाऊद इब्राहिम का जब तक सर हिंदुस्तान में नहीं आएगा तब तक हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। कौन सी ऐसी मजबूरी आई थी कि नवाज शरीफ को आपने बिना होमवर्क किए हिंदुस्तान में बुलाया? कौन सी ऐसी मजबूरी आई थी कि आपने शाल की डिप्लोमेसी शुरू कर दी जी? आप देखिए नेपाल आप गए, एक जल विद्युत परियोजना के संधि के लिए आप गए, चाइना ने वहां पर टांग अड़ाई आपको वापस भेज दिया, केवल आप मंदिर में दर्शन करके वापस आ गए। भूटान आप गए तो भूटान में जो जल विद्युत परियोजना यूपीए सरकार के समय में आई थी केवल आप उसका उद्घाटन करके आ गए। क्या आलोक 15 अगस्त पर, बड़ा विडंबना है, 15 अगस्त पर पाकिस्तान को कोई एक संदेश तक नहीं दिया गया?
ठीक है आलोक जी, क्या इसे जल्दबाजी माना जाए कि पाकिस्तान के संदर्भ में भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए, क्या बिना होमवर्क के जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार ने कदम उठाए, तो क्या ये जल्दबाजी थी पाकिस्तान की तरफ इस तरीके से कदम उठाना? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी इनकी फेल हो गई और बिना होमवर्क के जिस तरह से जल्दबाजी दिखाकर मोदी जी ने चक्रवर्ती राजा बनने का जो प्रयास किया वो पूरी तरह से विफल हुआ और जो भी संबंध थे कहीं ना कहीं और ज्यादा खटास उनके अंदर आ गई। ठीक है आलोक जी, मेरे साथ अनिला सिंह जी भी बीजेपी की तरफ से जुड़ गई हैं, स्वागत आपका अनिला जी। हम लगातार इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 100 दिन के अपने एजेंडे में मोदी सरकार कितनी कामयाब हो पाई है। मेरा पहला सवाल आलोक जी से यही था कि क्या वास्तव में अच्छे दिन आए हैं जिसको लेकर एनडीए सरकार सत्ता में आई? आपसे भी मेरा सबसे पहला सवाल अब यही है कि क्या 100 दिन का वादा या अच्छे दिनों का वादा आप लोग पूरा करने में कामयाब हुए हैं? शुरुआत हो गई है जी, अनिला जी आपसे। मैं वही कह रही हूँ सुमित जी, शुरुआत हो गई है। देखिए विपक्षी दल क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इससे एनडीए की जो कार्यप्रणाली है उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अगर किसी को उत्तर हमें किसी को देना है तो वो इस देश की, इस भारत की, इस हिंदुस्तान की जनता है। ठीक है, अभी मैं पीछे भी डिस्कशन कर रही थी और मैंने यही कहा था कि जो कांग्रेस के नेता हैं या प्रवक्ता हैं मोदी जी की गवर्नमेंट के 100 दिन का जो पूरा एनालिसिस करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, 100 दिन का यूपीए 2 की गवर्नमेंट का अगर हम रिपोर्ट कार्ड देख लें तो शायद ये लोग जो हैं कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है आलोक जी, अनिला जी का कहना है कि आपकी सरकार जो यानी यूपीए का जो शासनकाल था उसमें 100 दिन की जो सरकार थी और इनके अगर 100 दिन के आकलन, इन दोनों 100 दिन का आकलन किया जाए तो ये ज्यादा भारी है। देखिए बिल्कुल भी इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन करना आज के समय में गलत होगा। हमारी सरकार कोएलिशन गवर्नमेंट थी, हमारे यहां पर 9 दल थे जो पहले दिन से ही हमारी टांग खींचते थे। हमने देश को इस तरह से अच्छे दिखा आने के गुमराह करने वादे नहीं किए थे। हमने किसानों के और जवानों के सर के ऊपर हमने राजनीति नहीं की थी, हमने महिलाओं के रेप के ऊपर राजनीति नहीं की थी, हमने विकास की बात की थी और विकास का जो पहिया हमारा चल रहा था वो बिल्कुल ठीक था। इन्होंने ही कहा था कि हम आलोक जी विकास का पहिया ऐसा चला कि ऑल टाइम लो जो है, फिजिकल डेफिसिट सुन लीजिए ना, आप विकास की बात कर रहे हैं और आपने इस तरह से बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा जी। मैं आंकड़ों से आपसे बात कर रही हूं अनिला जी, अनिला जी फिर अनिला जी कहिए कहिए कहिए, मैं अगर बीच में बोलूंगा तो फिर आप भी अपनी बात नहीं कह पाएंगे। मैं सीधी बात कह रहा हूं, क्या महंगाई कम हुई? जवाब दूं? क्या पाकिस्तान के संबंध सुधर गए? क्या चीन ने जो अतिक्रमण करना किया था वो बंद हो गया? क्या महिलाओं के साथ जो 23 रेप हुए हैं एक महीने के अंदर दिल्ली के अंदर, क्या वो रुक गए? आपके ही प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि रेप का मनोवैज्ञानिक वर्णन करना बंद कीजिए, लेकिन आपने तो आर्थिक वर्णन करना शुरू कर दिया रेप का। बताइए मैं कहां है अच्छे दिन, कौन सा आधार आपको नजर आता है कि अच्छे दिन आ रहे हैं? ठीक है आलोक जी, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी अब आप सुनिए, आपने एक महंगाई की बात करी, अब मैं आपको महंगाई का जवाब देती हूं। जब एनडीए सरकार यहां पर आई है केंद्र में, उस वक्त जिसको कहते हैं ना कि एक फिस्कल इनडिसिप्लिन था इसकी देश की पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरी इकोनॉमी में फिस्कल रिटेल जो इन्फ्लेशन था वो ऑलमोस्ट 10% था, कि मतलब आदमी जो है चीजों को खरीद ही ना पाए, ये हालत आपने कर दी थी इस देश की इकोनॉमी की। और 4.7% जो है वो फिस्कल डेफिसिट था, जो कि अभी सरकार हमारी 100 दिन भी नहीं हुए हैं जो हम 5.7% पे लेकर आ गए हैं। और अगर इनकी पिछली सरकार की आप देखें कि इन लोगों की क्या स्ट्रैटेजीज हुआ करती थी, जो इन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए थे कि किस प्रकार से हम अपनी गवर्नेंस को आगे लेके जाएंगे, वो UPA 1 का जो फेलियर हुआ था टोटली उस पर कंसंट्रेटेड था कि हमारे ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ हम कैसे करें, हम इन्फ्लेशन को कैसे डाउन करें, फिजिकल डेफिसिट को कैसे कम करें, जीडीपी को हम कैसे बढ़ाएं, पूरे आप देखेंगे इसमें ये लोग उलझे हुए थे। उलझने के बावजूद क्योंकि इनकी जो सरकार थी इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इतना जबरदस्त कुशासन था, अच्छी नीतियां लाने के बाद भी वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। अच्छी नीतियां इसलिए आई क्योंकि जो इनके प्रधानमंत्री थे वो बहुत एक अच्छे अर्थशास्त्री भी रहे हैं, तो नीतियों में कोई कमी नहीं थी। जो ये कहते हैं ना अरे ये तो हमारी नीति थी, अरे
भाई तुम भी भारतवर्ष के नागरिक हो, तुम भी भारतवर्ष की पार्टी हो, हम भी हैं, तो नीतियां तो अच्छी बनाएंगे ही बनाएंगे, पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ वो ज्यादा मायने रखता है। ये इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए, हमने जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया और उनको बेहतर करके क्रांति की शुरुआत हो गई है, जिसकी वजह से बेचैनी। आलोक जी, अगर कोई सरकार फैसला लेती है तो कांग्रेस पार्टी उसका श्रेय इसलिए कहकर लेती है कि हमने इसकी जमीन तैयार की थी, ठीक है आलोक जी? नहीं, हम नहीं, हम श्रेय नहीं लेते हैं। इन्हीं के तमाम मंत्रियों ने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था है और जो विदेश नीति है उसको रातों रात नहीं बदला जा सकता है। जो यूपीए 2 की अर्थनीतियां हैं उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं के मंत्रियों की आवाज है, हमारी नहीं है जी। लेकिन मैं अपनी बहन को बता देना चाहता हूं, जो 4.7% फिजिकल डेफिसिट है वही इनके बजट में लक्ष्य रखा है अरुण जेटली जी ने, ये कंफ्यूज कर गए हैं थोड़ा सा ना। और जो आज जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इससे अलग होती है। दोबारा पन्ना पलटिए, दोबारा पन्ना पलटिए, आप गलत कह रहे हैं। अरुण जेटली जी ने 4.7 फिजिकल डेफिसिट और जीडीपी ग्रोथ रेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। 4.7% ऑलरेडी है तो लक्ष्य कैसे हो जाएगा? आप ये आप अपने बजट को बढ़िए, फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य 4.7% ही इंटरिम बजट में था और 4.7 ही अरुण जेटली जी ने अपने बजट में रखा। आलोक जी, ये ठीक है कि आंकड़ों के अगर उसमें गणित में ना हम उलझे, हम सिर्फ अपने मुद्दे पर अगर वापस आ जाए, ये जो पूरे तमाम वो मुद्दे थे जिसे लेकर मोदी सरकार ने तमाम वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं इस पूरे अपने कार्यकाल के दौरान, 100 दिन के आंकड़े के दौरान? सवाल ये है। और क्या मोदी सरकार ने उन तमाम चीजों को या उन तमाम असफलताओं को जो यूपीए शासनकाल में रही उन्हें भुनाने में कामयाब रही है मोदी सरकार? देखिए, ये सरकार जो है पूरी तरह से नारों की सरकार रही है। पहले भी नारों के आधार पर आए थे, आज भी नारे लगा रहे हैं। इनको यही समझ नहीं आ रहा कि अब हम सत्ता में आ गए, नारे लगाना छोड़िए, डिलीवरी करना शुरू कीजिए। इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब पहली बार बहुमत मिला है ना, इसलिए कि अभी तक हिंदुस्तान में किसी ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ हो रहा है बस पिछले 3 महीने में ही हो रहा है। इस देश की नींव बहुत मजबूत है। आपने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, दूसरी बॉडी का पता ही नहीं कहां है। आपने प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले की प्राचीर से कह दिया कि शौचालय बनने चाहिए। अरे निर्मल भारत योजना जो है ऑलरेडी चल रही है और जो इंटरिम बजट है जो हमने प्रस्तुत किया था उसमें 4300 करोड़ रुपए शौचालयों के लिए रखा था, उसका जिक्र ही नहीं किया। तो ये जो सरकार है केवल और केवल दिखावा कर रही है, ठोस और आधार पर जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है अनिला जी, योजना आयोग की बात आप लोग करते हैं तो सेकंड गवर्निंग बॉडी कौन सी होगी, किसको आगे किया जाएगा? क्या सिर्फ एक प्लान दे दिया जाता है और उसके बारे में फिर बात नहीं की जाती है, उससे पहले योजना आयोग को निरस्त कर दिया जाता है? देखिए, जो प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी कमीशन आती है या कोई बॉडी आती है वो तो समय रहते जब भी होगा मेरे ख्याल से सबके सामने आ जाएगा कि किस प्रकार की गवर्निंग बॉडी अब आएगी या प्लानिंग बॉडी जो भी जिस प्रकार से, तो उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ अभी जी। क्योंकि ये तो एक नीतिगत फैसला है, ये तो जब समय रहते हुए जब भी होगा तो वो उजागर हो जाएगा। पर डेफिनेटली ये तो है कि अगर प्लानिंग कमीशन हट रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि नादान सरकार है, पता नहीं है कि भाई किस प्रकार से इस देश को आगे लेकर जाना है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बॉडी तो आएगी। वो कौन सी आएगी? तहत योजना आयोग को हटाया गया है और एक और ऐसी संस्था खड़ी की जा रही है। अनिला जी का कहना है कि अगर इसके अंदर कोई स्ट्रेटेजिक खामियां होंगी इसीलिए सरकार ने हटाया, कोई नादान सरकार नहीं है? देखिए, इस सरकार ने नहीं हटाया है। 3 साल पहले एक अरोड़ा कमेटी बनी थी, मैं अपनी बहन को बता देना चाहता हूं। उस कमेटी ने 15 पेज की एक रिपोर्ट दी थी जो कि रिपोर्ट जनवरी में आई थी, लेकिन फरवरी में क्योंकि इलेक्शन का प्रचार शुरू हो गया था हम उस पर एक्शन नहीं ले पाए थे। और उसमें यही कहा गया था कि प्लानिंग कमीशन जो है उसके आयामों को बढ़ाया जाए, उसका जो रोल है उसको मॉडिफाई किया जाए। तो ये कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि विचित्र कोई नया कर रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार में हो गया था कदम, लेकिन बिना होमवर्क किए इन्होंने उसको केवल एक घोषणा तक छोड़ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 दिन के बाद, घोषणा के 15 दिन बाद हम अखबारों में टिप्पणी देखते हैं कि साहब अब सुझाव दीजिए कि जो नई बॉडी हो उसका नाम क्या हो। एक प्रधानमंत्री को इस तरह की जो वक्तव्य है वो देने में संवेदनशीलता अपनानी चाहिए। चलिए ठीक है, अब नेशनल एजेंडे के साथ साथ हम इंटरनेशनल एजेंडे की भी यहां पर बात कर लेते हैं। जिस तरीके से अभी हम कुछ देर पहले आलोक जी मैं आपसे बात कर रहा था, पाकिस्तान को लेकर क्या जल्दबाजी हुई अनिला जी? आलोक जी का कहना है कि आप लोगों के पास कोई होमवर्क नहीं था, आपने अगर पाकिस्तान की यहां पर बात की जाए आपने सिर्फ जल्दबाजी उस वक्त कर दी पाकिस्तान से बातचीत करने में, और अब आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं।
जल्दबाजी कैसी? आपने नवाज शरीफ को इनवाइट किया, उसके बाद लगातार आपको पता है कि पूरे सात कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, तो उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में और क्या बाकी देशों के बीच में कोई अंतर नहीं है? नहीं, आप ये बताइए, साग बॉडी को जब इनवाइट किया जा रहा है तो हम कैसे एक कंट्री को उसमें से हटा देंगे? और देखिए सुमित जी, जहां तक पाकिस्तान की बात है, या लोग जी भी मेरे से सहमत होंगे, क्योंकि देश की बात चल रही है इस वक्त, हम आपस में पार्टीज की बात नहीं कर रहे हैं। जब जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनल टर्बुलेंस होता है, यानी अस्थिरता आती है, तब तब वो जो है वो एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर देता है भारत के खिलाफ। अभी आप देखिए पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को भी कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो जो पाकिस्तानियों का होता ना एक ध्यान हटाने के लिए, उन इस प्रकार से अटैक इन्होंने हमारी सरहद पे करने स्टार्ट कर दिए थे। खैर, अब ये सारी चीजें हो रही हैं, सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है ना, केवल विरोधी पार्टी अगर ये कहती रहे कि इनकी नीतियां साफ नहीं है, ये क्लियर नहीं है, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जापान जैसे देश में जिस प्रकार से उनका स्वागत हुआ है, या 17 साल बाद जिस प्रकार से वो नेपाल गए और संबंध जो है दोबारा रिवाइव हुए हैं, तो चाहे वो भूटान हो, देखिए ऐसा है कि ये चीजें जो है दिखाई दे रही हैं, ठीक है कि एक नई पहल की शुरुआत हो गई है। ठीक है और आप, और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी, जिससे आलोक जी भी सहमत होंगे, क्योंकि भी सरकार इन लोगों ने भी चलाई है। हाँ, ये थोड़ा सा इनकी मजबूरी थी कि इनका कोएलेशन कई पार्टीज के साथ था, तो डेफिनेटली जब कोएलेशन होता है तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। सरकार जो बड़ी पार्टी होती है वो चाहकर भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाती है, ये बिल्कुल ठीक है। पर हाँ, एक चीज मैं फाइनली बोल देती हूँ, जब विदेश नीतियों की बात आती है, बहुत सारी चीजें जो हमें सामने दिखाई दे रही होती है, बहुत पर उतनी ही चीजें बिहाइंड द कर्टेन भी होती हैं। चलिए आलोक जी, देखिए जहां तक अभी विदेश नीति की बात है, तीन चार चीजें जो हुई हैं, आप देखिए पाकिस्तान के साथ जो भी कदम उठाए गए उसमें कहीं ना कहीं होमवर्क की कमी रही, ये पूरा विश्व कह रहा है। आप दो दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस उठा के देखिए क्या लिखा हुआ है लोगों ने। उसके बाद अभी भूटान की बात आई, भूटान में क्या हुआ है, एक जलविद्युत परियोजना जो यूपीए सरकार के समय बनी थी उसका केवल उद्घाटन करने मोदी जी वहां गए थे। चले चलेंगे आलोक जी के पास, संपर्क हमारा उनसे फिलहाल टूट गया। लेकिन अनिला जी, पाकिस्तान पे एक बार फिर से आलोक जी यही कह रहे हैं कि आप लोगों के पास उतना होमवर्क नहीं था और उसके बावजूद भी आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी, जिसका आप भी समर्थन कर रही हैं। देखिए ये तो बेहद, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, जल्दबाजी कर दी। देखिए जब आप मेहमानों को आमंत्रित कर रहे हैं, सार्क देश के मेहमानों को आमंत्रित कर रहे हैं, इस प्रकार से आप जो है, नहीं नहीं, आप पाकिस्तान को क्या सिर्फ इसलिए कैसे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये कहां से समझदारी? पाकिस्तान के साथ हमारी संबंध नहीं है जो बाकी सार्क देशों के साथ थे। देखिए 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 सुमित जी, समझदारी तो इसमें थी कि हमने पहल करी, जो हमारा हमारे हिंदुओं का, हमारा हमारे भारतवर्ष का हमेशा ये कहा आता है कि जो मेहमान होता है वो शर्माते, सब लोगों को हमने आमंत्रित किया था और सबको एक लेवल पे लेके हमने बात करी कि भाई किस प्रकार से जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, हम किस मिलकर अगर हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, अभी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। पर हाँ, पाकिस्तान ने अगर उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिया तो ये गलती पाकिस्तान की है। और आपने देखा भी होगा, अभी फ्लैग मीटिंग वगैरह सब हुई है, सेक्रेटरीज की मीटिंग कैंसिल कर दी गई है, ये इंडिकेशन होता है। आपने पढ़ा भी होगा डिफेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया हुआ, उन्होंने कहा है कि कोई भी इस प्रकार का जो कदम पाकिस्तान की तरफ से आएगा तो हम उसको बहुत हल्के में नहीं लेंगे, बिल्कुल उसका जवाब देंगे। आलोक जी, लास्ट कमेंट आपसे भी चाहता हूं, आप कुछ कहना भी चाहते हैं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कौन से ऐसे परिवर्तन आए थे कि पाकिस्तान के साथ इस तरह से आपने दिल खोलकर मिलना शुरू कर दिया? क्या आप केवल मोदी जी को विश्व स्तर का लीडर बनाना चाहते थे? एंड रिजल्ट क्या रहा आप देखिए, एंड रिजल्ट को आप देख नहीं रहे हैं। आपकी नाक के नीचे दिल्ली के अंदर अलगाववादी संगठन के लोग आपके वार्निंग देने के बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त से मिलकर चले गए। जब आप 3 महीने पहले कहते थे कि मर जवान मर किसान, तो आपको ऐसी क्या जल्दबाजी थी? बार बार मैं कह रहा हूं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना अच्छा रहता है, मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छी रहती है, लेकिन हमारी बहन भूल गई, हमने बहुत बिरयानी वाली स्टेटमेंट सुनी है इनसे। चलिए ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी के 100 दिन के शासनकाल में क्या जनता के अच्छे दिन आए हैं?
बीजेपी को या एनडीए को छप्पर फाड़ के मिला था, क्या इन 100 दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार जनता को 100 दिन के अंदर अच्छे दिनों का वादा करके छप्पर फाड़ के दे पाई है? हालांकि इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वहीं हम सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या मोदी के 100 दिन कामयाब रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन कामयाब रहे हैं? अच्छे दिनों का वादा क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया है? नामी भेज सकते हैं, जवाब के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। वही कल सुदर्शन न्यूज ने जो सवाल आपसे पूछा था उसके जवाब जो हम तक पहुंचे हैं उसमें ज्यादातर लोगों का जो मानना है उसमें, कल हमने आपसे सवाल पूछा था क्या मोदी की मुरादें पूरी करेगा जापान, उसमें ज्यादातर प्रतिक्रियाएं जो हम तक पहुंची हैं उसमें 82% लोगों का मानना है हाँ और 18% लोगों का मानना है नहीं। जापान की तरफ से इस तरीके की कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं आएंगी। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।